नमस्कार दोस्तों, द धर्म न्यूमरोलॉजी में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं शनिवार को जन्मे लोग कैसे होते हैं, उनका व्यवहार क्या होता है, उनकी लाइफ में क्या अच्छी चीजें होती हैं, क्या नेगेटिव चीजें होती हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या उनके लिए लकी कलर्स हैं, नंबर्स हैं, तो ये सारी चीजों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो शनिवार को जो लोग पैदा होते हैं उनके ऊपर शनि महाराज का प्रभाव ज्यादा होता है, जैसे शुक्रवार को शुक्र महाराज का प्रभाव ज्यादा होता है। तो एक तो दोस्तों शनि को लेकर के लोगों के बीच में इतना थोड़ा नेगेटिव एक एनवायरनमेंट है कि शनि जिनके साथ में होता है उनकी लाइफ में ये होता है, वो होता है, ट्रबल होती है, प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्या क्या लोग इसके बारे में सुन चुके हैं या जानते हैं या डरे हुए हैं, लेकिन शनि महाराज के साथ में ऐसा नहीं है एक्चुअली। मगर आप प्रैक्टिकली जब भी धर्म को या ये ऐसे किसी शास्त्र को आप जानोगे प्रॉपरली ना, तो आपके मन में किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा। तो जो लोग शनिवार को पैदा हुए हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि उनके ऊपर शनि का प्रभाव ज्यादा होगा, और क्योंकि शनि न्याय के देवता बोले गए हैं, कर्म के देवता हैं, कर्म प्रधान ग्रह है ये जो शनि ग्रह है वो, तो ये आपको तो हार्ड वर्किंग करवाएगा, मेहनत बहुत करवाएगा। दूसरी चीज, ये लोग जो अपनी बात रख दी तो अपनी बात के पक्के होते हैं, जिद्दी भी, जिद्दी नहीं बोलेंगे, पक्के होते हैं, और जिद्दी तो होते हैं कुछ केसेस में, वो आगे हम जानेंगे। इनकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मतलब कोई भी काम एक फटाक से नहीं हो जाएगा। अगर वो लोग अपनी जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं ना, तो एक बार में वो काम नहीं होता है। ये लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, और क्योंकि शनि महाराज कर्म प्रधान देवता हैं और वो लोगों के साथ में अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो ये लोग भी बाय नेचर ऐसे ही होते हैं कि वो लोगों को हेल्प करने की कोशिश करते रहते हैं, और बहुत हेल्पिंग नेचर के होते हैं और बहुत मेहनती, और इनका जो हाइट और बॉडी होता है सामान्य कदकाठी के होते ही है, और क्योंकि शनि से प्रभावित होते हैं ये, इसलिए ये लोग धोखेबाज नहीं होते हैं। इनको गुस्सा भी आएगा तो धीरे से आएगा, तुरंत शॉर्ट टेम्पर्ड ये लोग नहीं होते हैं, धीरे से गुस्सा आएगा, इनका गुस्सा भी धीरे से जाएगा। इनकी जिंदगी में सक्सेस भी मिलेगी, सारे काम होते हैं लेकिन स्लोली होते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट इनको नहीं मिलता है। लव लाइफ की बात करें या इनकी फैमिली लाइफ की बात करें ना, तो इनकी फैमिली लाइफ काफी अच्छी नहीं मानी गई है, क्योंकि शनि से प्रभावित जो है ये, उसकी वजह से होता क्या है कि शनि से प्रभावित लोगों के अंदर एक चीज ये होती है कि वो अपना प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो लोग नहीं करते कभी। अगर वो आपकी केयर करते हैं, वो आपको प्यार करते हैं, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते इजीली। अब शनि जब लाइफ में है तो बचपन से लगा करके जो एक 30-35 साल का टाइम होता है, अप टू 35 इयर्स, वो टाइम है ना, वो थोड़ा सा हार्ड होता है, जहाँ पे बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारी लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं। लेकिन जो लेटर इयर्स होते हैं 35 साल के बाद का जो टाइम होता है, स्लोली 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 ये लोग है ना स्टेबल हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं और इनकी लाइफ अच्छी हो जाती है। उसके बाद में इनको हेल्थ वाइज है ना, क्योंकि शनि को कनेक्ट किया गया अपने हड्डियों के साथ में, तो जितनी भी बॉडी में हड्डियां हैं, कहीं ना कहीं अगर आपको बार बार चोट वोट लग रही है, तो कहीं ना कहीं आपका शनि डिस्टर्ब है माना जाता है। तो अगर जो लोग शनिवार को पैदा हुए हैं उनको हो सकता है, क्योंकि शनिवार को तो वो पैदा हुए हैं, लेकिन उनकी जन्म कुंडली में शनि अच्छी जगह पर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर गलती से शनि आपका नेगेटिव है या वीक है, तो उस कंडीशन में आपको ये कुछ बीमारियां दे सकता है, वीकनेस दे सकता है, जॉइंट पेन दे सकता है, स्टोन का इश्यू कई बार हो सकता है, और हड्डियों से जुड़ी हुई कोई ना कोई प्रॉब्लम या गठिया जिसको आर्थराइटिस बोलते हैं, ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। उसके बाद में हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है, ये रिलेशन इनका बहुत अच्छा नहीं चलता, क्योंकि शनि जो होता है ना वो हेल्पिंग नेचर का है, और दूसरा
बहुत ही लॉयल है, लीगल है वो, तो उसकी वजह से कई बार हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन होते हैं उस रिलेशन में ये थोड़ी सी भी चीजें, कुछ चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाते, जैसे कुछ गलत हो रहा है फैमिली में उससे बर्दाश्त नहीं होता है, वो बोल देता है उसके बाद में, क्योंकि ये अपना लव एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है वो अच्छा नहीं बोल सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की केयर नहीं कर रहे हैं, वो लोग केयर कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिलेशन बहुत अच्छा नहीं माना जाता। और अगर इनको करियर में जाना है तो करियर में ये लोग जज हो सकते हैं, आईटी फील्ड में हो सकते हैं, जासूस हो सकते हैं, रिसर्च में हो सकते हैं। इनके लिए लकी कलर 3, 6 एंड 9 होगा, लकी डे होगा सैटरडे और मंगलवार, और लकी कलर होगा ब्लू एंड ब्लैक। इसके अलावा कमर और पीठ के, कमर पीठ और पांव, ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है शनि वालों को। अगर शनि थोड़ा सा भी नेगेटिव है ना तो उस कंडीशन में ये ज्यादातर लोगों को देखने को मिलता है। तो उस समय आप शनि के उपाय कर लें। शनि के उपाय आप क्या करोगे, तो शनि को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो शनि जो है आपके आजू बाजू में ही आपको डेली शनि महाराज मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, जिसकी लाइफ में तकलीफ है, जो परेशान है, वो सब शनि है। तो अगर वो कोई बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत कर रहा है बेचारा, अपनी लाइफ में कोई सक्सेस नहीं हो रहा है, अगर आप उसको किसी भी तरह की हेल्प करते हो तो आपने शनि का उपाय कर लिया। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो बुध होते हैं, वैसे के वैसे जितने भी परेशान हैं लाइफ से ये सारे लोग होते हैं वो शनि होते हैं। साफ सफाई वाले होते हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो मेहनत कौन ज्यादा करेगा, जिसका शनि एक्टिव होगा उन लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद में इनको है ना शिवजी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी बाय डिफॉल्ट आप देखोगे तो जो लोग शनिवार को पैदा हुए हैं या जिनकी कुंडली में शनि ज्यादा प्रभावी होता है वो लोग है ना महादेव के मानने वाले होते हैं, तो महादेव की इनको सेवा करनी चाहिए। ये अंतर्मुखी ज्यादा होते हैं, ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं ये लोग, ये अंदर के अंदर सेल्फ एनालिसिस इस टाइप का वो लोग काम करते रहते हैं, तो अंतर्मुखी होते हैं। और इनके पास में एक से ज्यादा क्वालिटीज होती है, एक से ज्यादा फील्ड का ये नॉलेज रख सकते हैं। ये शांत होते हैं, गुस्सा बहुत देरी से आता है, और अगर आ गया तो वो जाएगा भी धीरे धीरे, मतलब गुस्सा तुरंत नहीं शांत होते ही है। और इनका एक और वीक पॉइंट ये है कि ये लोग बहुत, इनकी एबिलिटी होती है, ये लोग लॉयल होते हैं, सब कुछ अच्छा है इनकी लाइफ में, लेकिन फिर भी इनको उतना मान सम्मान नहीं मिल पाता। और ये अदर कास्ट के साथ ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, इरिस्पेक्ट ऑफ द रिलीजियस, वो ये नहीं देखते सामने वाला कौन से धर्म का क्या है, उनके लिए धर्म अर्म उतना मायने नहीं रखता, ये सबको अपने जैसा मानते हैं। इनको शो ऑफ करने में मजा नहीं आता, ये लोग शो ऑफ करने में बिलीव नहीं करते कभी भी, जो एक्चुअली में है जैसा है उसको वैसा ही प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। और कई बार ऐसा पाया गया कि शनिवार को जो पैदा हुए या शनि से जो प्रभावित लोग होते हैं ना वो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं, ये लोग नेचर लवर होते हैं, प्रकृति प्रेमी होते हैं। उसके बाद में कितनी भी खराब चीज हो, अगर आपके साथ में आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो शनिवार को पैदा हुआ है या जिसकी लाइफ में शनि ज्यादा एक्टिवेट है, तो उसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका ये है ना कि वो खराब से खराब मशीन में से भी काम की चीजें निकाल लेगा, कितनी भी बेकार बीमारी हो उस बीमारी में से भी कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेगा पॉजिटिव। तो ये वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। हाँ, याद यही रखना है कि शुरुआती जीवन में, मतलब स्टार्ट का जो सीरियस टाइम होता है जिसमें बचपन हो गया, शुरुआती जो जीवन होता है मतलब बचपन जवानी, ये टाइम में इनको बहुत स्ट्रगल हो सकते हैं, लेकिन लेटर एज में ये लोग स्वस्थ होते हैं, सुखमय होते हैं। और एजुकेशन की बात करें तो इनकी एजुकेशन तो होती है पूरी, बट स्ट्रगल के साथ होती है, हो सकता है पढ़ाई डिस्टर्ब हो, बीच में कुछ पढ़ाई छोड़नी पड़े, गैप आ सकते हैं पढ़ाई में, लेकिन मोटा मोटी ये लोग पढ़ाई कर लेते हैं। हाँ, कुछ लोगों को पढ़ाई में दिक्कतें आ सकती हैं, तो वो डिपेंड करता है आपका कुंडली में शनि कहाँ पर
किस एनर्जी के साथ में, अगर बहुत अच्छी एनर्जी के साथ में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर वो थोड़ा सा वीक है, डीम है कहीं ना कहीं, तो प्रॉब्लम आपको आ सकती है। और ये लोग कंजूस भी होते हैं और विनर होते हैं, इनकी लाइफ में स्ट्रगल कितने भी आ जाए इनको फर्क नहीं पड़ता। ये लोगों के पास में गॉड गिफ्टेड एक एनर्जी होती है कि जो हर कंडीशन से लड़ने की ताकत रखते हैं, ये कभी हार मानने वाले नहीं होते हैं। कंजूस तो होते ही हैं। और ये इनके लिए फील्ड की बात करें तो फील्ड जो मैंने आपको बताए वो फील्ड ही जरूरी नहीं है कि वो उसमें ही काम करें, क्योंकि आप में से कई लोग देखेंगे कि नहीं यार मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कुछ और कर रहा हूँ। तो शनि महाराज से प्रभावित होने की वजह से क्या होता है कि आपको जो भी काम मिल जाएगा उस काम को आप डेडिकेटेडली बहुत अच्छे से डिटेल्स में सीरियसली आप हर फील्ड में हर टॉपिक पे आप जाते हो, तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि शनि के पास में डेडिकेशन है, जो भी काम लेकर के बैठ गए ना उसमें वो मास्टर हो जाते हैं। और ये समाज सुधारक भी होते हैं कई बार, ये एक वीक पॉइंट बोल सकते हैं इनका, लेकिन मैं तो इसको अच्छा पॉइंट बोलता हूँ कि अगर फैमिली में कहीं कुछ गलत चल रहा है या लोगों के साथ में कहीं कुछ गलत हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है या किसी की तरफ से हो रहा है ना, तो ये उसके खिलाफ आवाज उठा लेते हैं। और ये लोगों के साथ में चलने वाले होते हैं, लोगों के हित के बारे में सोचते हैं। तो शनि महाराज बहुत अच्छे हैं और उनके बारे में आपने जो भी नेगेटिव सोच के रखा है उसको निकाल दीजिए। शनि सिर्फ यही सिखाते हैं आपको लाइफ में कि आपको मेहनत करनी है, दूसरा चीज लोगों के साथ में कोई बुरा व्यवहार नहीं करना है, लोगों की केयर करनी है और जितना हो सके वो लोगों को साथ में लेकर के चलना है। और मेहनत तो है ही है, तो शुरुआती दौर में आपको मेहनत करनी है, बाद में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था शनिवार को जन्मे लोगों के बारे में धर्म।